दिस इज प्रेरणा दुबे एंड वेलकम टू माय चैनल स्टीचिंग प्रोफेसर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत ही जल्द हम भाई बहन के प्यार का त्योहार आने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रक्षाबंधन की। वो भाई ही क्या जो बहन को प्यार ना करे, और वो बहन ही क्या जो भाई से लड़ाई ना करे। सही कहा ना मैंने? तो बात करते हैं कम और क्लास करते हैं शुरू। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास में। आज मैं आपको सिखा रही हूँ भाई बहन के प्यार की डोरी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राखी की, वो भी बहुत कम सामान में। तो देखिए, हमें चाहिए एक शीट का टुकड़ा, कुछ मोतिया, कुछ धागे, कलरफुल धागे। इस शीट की जगह आप कार्डबोर्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, मुझे ये शीट 1x1 स्क्वायर शेप में चाहिए है। तो इस तरीके से मैं इसे कट कर लूंगी। वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल स्टीचिंग प्रोफेसर को, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको मिलती रहे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन। अब हमें चाहिए है कुछ कतरने, तो जो आपके पास है आप वो ले सकते हैं। अब मैंने लिया है ये मैरून कलर का वेलवेट कपड़ा। तो इसके ऊपर शीट को रख के और आधा आधा इंच बढ़ाते हुए चारों तरफ से इसे मैं कट कर लूंगी। रक्षाबंधन हमारे भाई बहन के प्यार का त्यौहार होता है, इसीलिए इसे बहुत ही प्यार से मनाया जाता है। तो देखिए, शीट पे मैं लगा रही हूँ थोड़ी सी ग्लू और फिर चारों तरफ से कपड़े को स्टिक करके अच्छे से प्रेस कर दूंगी। तो देखिए, दो पीस मैंने पहले से बना के रेडी रखे हैं। अब इसे इस तरीके से डिजाइन में मैं एक दूसरे के ऊपर स्टिक करूंगी। तो देखिए, मैरून के कॉर्नर पे ग्लू लगाई, उसके ऊपर इस तरीके से येलो पार्ट को रख दिया। अब सेम इसी तरीके से दूसरे मैरून को भी येलो के ऊपर रख दूंगी। अब मैरून पार्ट हमारा प्लेन दिख रहा है, इसलिए इसके ऊपर गोल्डन स्टार लगा दूंगी और आगे की साइड दो कुंदन लगा दूंगी। तो ये हुआ मेरी राखी का बेस तैयार। अब सेकेंड राखी में जो आपको बताऊंगी वो बिल्कुल सिंपल बताऊंगी, क्योंकि मेरे भाई को एकदम सिंपल राखी पसंद थी। वो पूरे साल बांध के रखता था, इसलिए मैं हर साल आपको एक सिंपल राखी जरूर बनाना सिखाती हूँ। तो देखिए, स्क्वायर हमें वैसे ही तैयार करना है जैसे मैंने वो तीन आपको करने बताए हैं। उसके ऊपर मैंने एक स्टार ले लिया है। अब नंबर आता है हमारी तीसरी राखी का। तो चौड़ाई में हमें इसे एक से भी कम थोड़ा सा लेना है, आधा इंच से ज़्यादा और एक इंच से कम। लेकिन लंबाई में हमें इस शीट को ज़्यादा लेना है, यानी कि हमें रेक्टेंगल शेप में ये शीट का टुकड़ा चाहिए है। हमारी बहन बेटियाँ साक्षात लक्ष्मी का प्रतीक होती हैं, इसलिए उन्हें सादर पूर्वक घर पर आमंत्रित किया जाता है और खुशी खुशी उन्हें विदा किया जाता है। गिफ्ट देने का भी प्रावधान इसीलिए है कि हमारी बहन बेटियाँ घर से खाली हाथ नहीं जाएँ और खुशी खुशी जाएँ। बहनों को प्रसन्न करना यानी साक्षात लक्ष्मी को प्रसन्न करना। तो देखिए, सेम मेथड से मैं इस शीट को भी रेडी कर लूंगी। बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि हमारे पास ग्लू गन नहीं है तो हम कैसे बनाएं। तो मैं आपको यही राखियां फेविकॉल से भी बनाना सिखाऊंगी। अब इसके ऊपर पेन से लिखूंगी भाई, उसके बाद में मोती से पिरोते हुए सुंदर से मैं भाई लिख दूंगी, क्योंकि मेरा भाई है बहुत ही प्यारा, मुझे बहुत प्यार करता है। तो देखिए, इस तरीके से मैं इसके ऊपर एक के बाद एक मोतियां लगाते हुए और मैं इस पे लिख दूंगी भाई। आप चाहें तो इसे चिपका भी सकते हैं। तो देखिए, मेरे ये तीन बेस तैयार हो गए हैं। अब मैं लगाऊंगी इस पे डोरी। तो मैंने ये थ्रेड लिया हुआ है डबल फोल्ड में। अब इसे मैं इस तरीके से सेंटर पॉइंट निकालते हुए और डोरी इसके ऊपर स्टिक करूंगी। तो अभी मैं आपको फेविकॉल का यूज करके बताती हूँ। पहले मैंने सारा कुछ मेजर किया, अब उसके ऊपर फेविकॉल लगाया, डोरी रखी। अब इस कपड़े को भी मैं उसके ऊपर रख के और स्टिक कर दूंगी। इसे फिर अच्छे से प्रेस कर दूंगी और एक साइड कर दूंगी। फिर नंबर आता है हमारी सेकेंड डोरी का। तो जिस तरह से भाई बहन को गिफ्ट देता है, उसी तरह से बहनें भी कभी भाई के घर खाली हाथ नहीं आती हैं। श्रीफल लाना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, डोरी में मैं फेविकॉल लगा के इसका पॉइंट बनाऊंगी और यहाँ से पिरो लूंगी मोती। तो आप चाहे एक मोती पिरो सकती हैं, आप चाहे चार मोती पिरो सकती हैं। मोती पिरोने के बाद में यहाँ पर हमें एक नॉट लगा देनी है, जिससे हमारी मोती बाहर नहीं आए। तो देखिए, इस तरीके से हमें इसे तैयार कर लेना है। अब नंबर आता है हमारी सेकंड राखी का। तो सेम इसी तरह से तैयार करना है उसे भी, जैसा मैंने इसमें बताया है। राखी की थाली में क्या क्या चीजें होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्यों जरूरी है, मैंने सारा कुछ डिटेल में बताया है अपने वीडियो में। उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, बहुत अच्छा वीडियो है, उसे जरूर देखिए। उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट बॉक्स में दे दूंगी। यदि आप किसी विषय पे वीडियो चाहते हैं तो कॉमेंट करके बताइए, मैं आपके विषय पर भी जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगी। मेरे किसी भी वीडियो को देखते समय उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना नहीं भूलना है, क्योंकि प्रोफेसर देती हैं वहां पे बहुत से काम के लिंक। अब नंबर आता है हमारी थर्ड राखी का। तो दो राखी में मैंने डोरी का यूज किया है और तीसरी ये भाई वाली राखी में मैं यूज कर रही हूँ शॉर्टन रिबन।
तो देखिए उसी तरीके से हमें इस पे भी करना है, ग्लू लगाना है, शॉर्टन रिबन को रखना है और इसके ऊपर हम एक कपड़ा रख देंगे। तो आप 3 राखियां मेरे भाई के लिए तैयार हैं। अब नंबर आता है हमारी भाभी राखी का। तो देखिए ऐसे टेसल्स में बनाना आपको सिखा चुकी हूँ। अब इस टेसल्स को अच्छे से ब्रश करके और अनइवन ऊन को कट कर दूंगी। अब मैंने सुई में लिया है डबल ऊन। अब इसे बिल्कुल सेंटर से निकालते हुए और एक ऊन को खींच लूंगी मैं, और फिर खींचने के बाद में इस तरीके से खींचना है और दोनों ऊन को बराबर कर लूंगी। बराबर करने के बाद दोनों ऊन मेटी की सुई में डालेंगे। मेटी का सुई यूज करना है क्योंकि उसका होल बड़ा होता है। यदि मेटी की सुई नहीं है तो फेविकॉल से पॉइंट बना के भी आप मोती इजीली पिरो सकते हैं। तो मेरी सुंदर सी भाभी के लिए सुंदर सी राखी तैयार है। मेरी बताई हुई राखियां आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि प्रोफेसर वेट करती हैं आपके कमेंट्स का। मेरी आवाज से आपको समझ आ रहा होगा मेरी तबीयत बहुत खराब है। जी हाँ, मुझे हुआ है जम के कोल्ड, लेकिन आप मेरे वीडियो का वेट करते हैं इसीलिए मैं समय पर लेकर आई हूँ आपके लिए वीडियो। कोल्ड हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रोफेसर बारिश में भीगी जो थी। तो अभी आपने देखा कि मैंने आपको बहुत ही प्यारी राखियां बहुत ही प्यार से बनाना सिखाया है, वो भी बहुत कम बजट में। फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके पूछिए, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बनना है स्टिचिंग में प्रोफेसर तो सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग प्रोफेसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्लास के साथ।